दोस्तों विटामिन सी एक ऐसा तत्व है जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद और जरूरी है, लेकिन हमारा जो शरीर है ये इसको खुद नहीं बना पाता है। और यही वजह है दोस्तों कि विटामिन सी को बाहरी उत्पादों जैसे कि फलों, सब्जियों या दवाइयों के रूप में लेना पड़ता है, और ये बहुत जरूरी भी है। विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है। ये संतरे, स्ट्रॉबेरी, कीवी, बेल पेपर, मिर्च, ब्रोकली और पालक सहित कई सारी सब्जियों में और फलों में पाया जाता है। प्रत्येक पुरुष को दिन में 90 मिलीग्राम और स्त्री को लगभग 75 मिलीग्राम विटामिन सी जरूर ग्रहण करना चाहिए। हालांकि डॉक्टर्स के द्वारा ऐसी सलाह दी जाती है कि इसकी आपूर्ति भोजन से ही की जाए, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो विटामिन सी के लिए सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों विटामिन सी कितना जरूरी है इसके बारे में जानकारी आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन ये विटामिन सी हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करके। तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहला कारण है क्रोनिक डिसीज के जोखिम को करता है कम। विटामिन सी एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। ये फ्री रेडिकल जैसे हानिकारक अणुओं से शरीर की रक्षा करता है। दोस्तों फ्री रेडिकल एक साथ जमा होकर ऑक्सीडेटिव तनाव को जन्म देते हैं जो कई पुरानी बीमारियों से जुड़ा हुआ होता है। कई सारे स्टडीज बताती हैं दोस्तों कि विटामिन सी का सेवन करने से रक्त में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल 30% तक बढ़ जाता है, जो कि हमारी बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन से लड़ने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। दोस्तों विटामिन सी की अच्छी मात्रा लेने पर दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों उच्च रक्तचाप या फिर हाई ब्लड प्रेशर को ये नियंत्रित करता है। इस समय दुनिया के बहुत सारे लोग खासकर युवा हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं। आपको पता है अमेरिका में एक तिहाई लोग हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हैं, और दोस्तों उच्च रक्तचाप से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है और पूरे वर्ल्ड लेवल पर मृत्यु का सबसे बड़ा यही कारण है। रिसर्च बताती है कि विटामिन सी रक्तचाप को कम करने में बहुत हेल्प करता है। जानवरों पर किए गए शोध के मुताबिक विटामिन सी सप्लीमेंट लेने से हार्ट से शरीर में खून ले जाने वाली रक्त धमनी को आराम मिलता है और ये सुचारू रूप से काम करती है। इसके अलावा एक शोध में यह भी सामने आया कि विटामिन सी सप्लीमेंट लेने से एक स्वस्थ वयस्क में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 3.8 मिलीमीटर एचजी और डायलोस्टिक ब्लड प्रेशर 1.5 एमएमएचजी तक हो जाता है। दोस्तों ये परिणाम आशाजनक तो है, लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये परिणाम दीर्घकालिक हैं या नहीं। इसके अलावा उच्च रक्तचाप वाले लोगों को केवल विटामिन सी के भरोसे नहीं रहना है। तीसरा पॉइंट है दिल की बीमारियों में राहत। दुनिया में होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह दिल से जुड़ी बीमारियां हैं, और ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो दिल से जुड़ी बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। लेकिन विटामिन सी जो होता है वो दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को बहुत कम कर देता है। 293,172 प्रतिभागियों के साथ 9 अध्ययनों के विश्लेषण में ये पाया गया कि 10 साल बाद जो लोग रोजाना कम से कम 700 मिलीग्राम विटामिन सी लेते हैं उनमें विटामिन सी सप्लीमेंट नहीं लेने वालों की तुलना में दिल की बीमारी का खतरा 25% कम था। इसके अलावा अन्य 15 शोध में एक बहुत ही रोचक फैक्ट सामने आया कि जो लोग विटामिन सी को भोजन के जरिए प्राप्त करते थे न कि सप्लीमेंट के जरिए उनमें दिल से जुड़ी बीमारी का खतरा बहुत कम था। हालांकि शोधकर्ता ये पूरी तरह से तय नहीं कर पाए कि विटामिन सी सप्लीमेंट खाने वाले लोगों की तुलना में विटामिन सी युक्त भोजन करने वाले एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करते हैं या नहीं। इसलिए ये बात साफ नहीं हो पाई कि दोनों में ये अंतर विटामिन सी के कारण था या फिर किसी और कारण से। चौथा पॉइंट है दोस्तों आयरन की कमी को करता है पूरा। दोस्तों आयरन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। ये लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे खून में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता भी है, लेकिन शरीर में आयरन की कमी होने से हीमोग्लोबिन घट जाता है और कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं। विटामिन सी आहार से आयरन को अवशोषित करने में मदद मिलती है। ये शाकाहारी लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मांसाहार जो होता है वो एक बहुत बड़ी मात्रा में आयरन की कमी को पूरा कर देता है। 100 मिलीग्राम विटामिन सी का सेवन करके 67% आयरन के अवशोषण में सुधार हो सकता है। ये एनीमिया से ग्रसित लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। एक शोध में हल्के एनीमिया के लक्षण वाले 65 बच्चों को विटामिन सी सप्लीमेंट दिया गया और शोध में पाया गया कि सप्लीमेंट की वजह से एनीमिया में बहुत सुधार हुआ है। और अंतिम में दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रही है और वो दुश्मन है कोरोना वायरस। इस वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं आया है, लेकिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इसका इलाज बन सकती है, लेकिन ये भी तभी संभव है जब आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो और इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बना पाए। और विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्ट करने का सबसे कारगर उपाय है। विटामिन सी श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट और फेगोसाइट को बढ़ाने में मदद करता है। ये कणिकाएं शरीर में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। विटामिन सी त्वचा की रक्षा प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये सक्रिय रूप से त्वचा तक पहुंचाया जाता है जहां पर ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और त्वचा की कोशिकाओं को मजबूत करने में मदद भी करता है। कई रिसर्च ये बताते हैं कि विटामिन सी घाव को जल्दी भरने में मदद कर सकता है। दोस्तों ये 5 कारण जानकर आपको पता चल गया होगा कि आपको विटामिन सी क्यों लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए।
इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर जरूर करिए, और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ घरेलू स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद, स्टे सेफ।